हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन मैरी ए लिटिल बॉय हु टर्न टू बी ए माफिया डैडी एवरी नाइट के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द यंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, क्या तुम डर रहे हो? द यंग जोंगकुक को भूखे टाइगर की तरह चूम रहा था और दूसरे ही तरफ से दोनों हाथों से जोंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचने लगता है। जोंगकुक मुंह से थोड़ा आवाज करता है। जोंगकुक करहाते हुए अपने निचले होठ को काटने लगता है। तेयंग के हर बार जोंगकुक को छूना जोंगकुक के शरीर में आग जला रहा था। तेयंग कहता है, बेबी, तुम्हारे लिप्स तो बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम है। डू यू नो, इसका स्वाद बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है। जोंगकुक कहता है, यू लाइक इट? तेयंग कहता है, येस आई लव इट। जोंगकुक बातें करके तेयंग से ये जानने की कोशिश करता है कि तेयंग को उसका मेमोरी वापस मिल चुका है या फिर तेयंग बिग बॉय जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। जोंगकुक कहता है, ते बेबी। तेयंग जोंगकुक के जॉ लाइन पर जोर से काट लेता है। जोंगकुक दर्द के कारण करहाने लगता है। आह बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो अपने एंजल के साथ? तेयंग कसकर जोंगकुक के कलाई पकड़कर डीपली उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, डोंट कॉल मी बेबी या ते ते, आई डोंट लाइक इट, कॉल मी योर माफिया डैडी बेबी बॉय। जोंगकुक तेयंग के वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक अपने आंखें बड़ी कर लेता है। तेयंग फिर से झुककर जोंगकुक के होठ पकड़ लेता है और जोंगकुक के होठों पर सारा प्यार बरसाने लगता है। लेकिन ते ऐसा करते टाइम बिल्कुल जेंटल नहीं था। इससे पहले कि तेयंग जोंगकुक के साथ और कुछ कर पाता, जोंगकुक ते को खुद से दूर धक्का दे देता है। जोंगकुक के धक्का देने के कारण तेयंग बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। तेयंग फिर से जोंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने करीब लाकर कहता है, मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना बेबी बॉय, तुम्हें नहीं पता मैं कब से इस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तेयंग के शब्द सुनकर जोंगकुक कन्फ्यूज्ड लुक से तेयंग के तरफ देखकर पूछता है, व्हाट? जोंगकुक एक हाथ से तेयंग के गाल पर सहलाते हुए कहता है, ते मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बातें कर रहे हो बेबी, तुम इस समय के लिए वेट कर रहे थे, इसका क्या मतलब है बेबी, टेल मी, क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या लिटिल स्पेस एक नाटक है, क्या तुम सच में, क्या ये सब एक नाटक था? तेयंग स्मार्क करके कहता है, बेबी बॉय, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, आज मैं पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। जोंगकुक कहता है, क्या नहीं ते, लिसन टू मी। तेयंग कहता है, बेबी अपना मुंह बंद करो, अगर तुम एक महीनों तक बिस्तर पर नहीं रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। जोंगकुक कहता है, रुको, पहले मुझे ये जानना है तुम माफिया हो या फिर बेबी ते। तेयंग स्मार्क कर जोंगकुक के गर्दन पर चुमने के साथ साथ उसे खाने लगता है। जोंगकुक कस कर तेयंग के शर्ट अपने मुट्ठी के अंदर भर लेता है। तेयंग अपना दिमाग खोने लगता है। जोंगकुक अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था। जोंगकुक खींचते हुए तेयंग के चेहरे को अपने करीब लाकर दोनों हाथों से तेयंग के चेहरे को होल्ड करने के बाद झुककर उसके होठों से होठ जोड़कर पूरी तरह उसमें खो जाता है। जोंगकुक कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने इस तेई को बहुत मिस किया तेई। तेयंग कहता है, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ बेबी बॉय, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर सकते हो तुम। तेयंग के हाथ जोंगकुक के शरीर को छू रहे थे। तेयंग जोंगकुक के होठों को चूमते हुए उसके मुंह में जीभ डालने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक के मुंह बंद होने के कारण तेयंग ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ते जोंगकुक के नीचे छूने लगता है। जोंगकुक इससे शॉक हो जाता है और तुरंत अपना मुंह खोल देता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को चूमने के बाद
टेक चुंबन को तोड़ देता है क्योंकि जब उसे एहसास हुआ जोंगकुक के सांस से फूल रहा है, तब टेक उसे सांस लेने का मौका देने के लिए उसे छोड़ दिया। जोंगकुक तैयंग की तरफ आंखें बड़ी करके देख रहा था और भारी सांसें ले रहा था। दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तैयंग अपने होठों से जोंगकुक के सलाइवा वाइप करते हुए कहता है, बहुत स्वीट था, जितना मैंने सोचा उससे कई ज़्यादा स्वीट था। जोंगकुक के गाल लाल हो गए थे। जोंगकुक तैयंग को कस कर गले लगा लेता है। जोंगकुक कहता है, आई लव यू तेई। तैयंग कहता है, लव यू बोलने से मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला हूँ। जोंगकुक अब भी यही सोच रहा था कि मे बी लिटिल तेई उस दिन की तरह कुछ देख लिया है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जोंगकुक गिगल करते हुए कहता है, मेरा बेबी आज कुछ ज़्यादा ही बहादुर नहीं बन रहा है। चलो तुम्हें गुड नाइट किसी तो मिल गया है ना, अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। तैयंग स्मार्क कर जोंगकुक के कमर पर पिंच करके कहता है, अगर तुम बातक की तरह चलने से डर रहे हो तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर सकता हूँ। अगर अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो देन इट्स ओके, हमारे पास बहुत टाइम है। जोंगकुक कहता है, नहीं तुम बेबी तो नहीं लग रहे हो। तैयंग कहता है, तुम्हारे सामने माफिया किंग किम तैयंग खड़ा है, कब से देख रहा हूँ तुम मुझे बेबी बेबी बुला रहे हो। लिसन, मैं कोई बेबी नहीं हूँ, आई एम योर डैडी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम ये रियलिटी ना भूलो। तैयंग जोंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बिस्तर के पास लेकर आता है। तैयंग जोंगकुक को बिस्तर पर रख दिया। जोंगकुक आंखें बड़ी करके बस अपने हस्बैंड को ही देख रहा था। तैयंग उसे ऑर्डर देता है, अपने कपड़े उतारो बेबी बॉय। जोंगकुक कहता है, हाँ। तैयंग खुद के कपड़े निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने कहा कपड़े निकालो, क्या तुम कपड़ों के साथ कंफर्टेबल रहोगे? मुझे बिना कपड़ों के सब ये सब कुछ करना पसंद है। जोंगकुक मन में सोचता है, क्या तेई मेरे साथ फास्ट नाइट सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन अचानक मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जोंगकुक सोचते हुए जब सामने देखा, जोंगकुक का चेहरा लाल हो गया और मुंह भी पूरी तरह से खुल चुका था, उसका गला सूख रहा था। जोंगकुक लिटिल तेई को कपड़े पहनाते टाइम अपने हस्बैंड के नीचे वाली चीज़ लेकर जो कल्पना किया था, ये उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। जोंगकुक कहता है, क्या कमरे में एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है? लगता है आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, मैं एसी चेक करता हूँ। तैयंग जोंगकुक के हाथ पकड़कर उस अपने करीब लाकर डीप वॉइस में कहता है, एसी परफेक्टली काम कर रहा है, तुम्हें गर्मी लग रहा है क्योंकि तुम्हें अब मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तैयंग जोंगकुक के कपड़े निकालकर नीचे कहीं फेंक दिया। तैयंग जोंगकुक को बिस्तर पर लिटाकर खुद को उसके ऊपर रखकर दोनों के जिस्मों और आत्मा तन मन के मिलन करने में पूरी तरह से खो जाता है। जोंगकुक बस बिलाप कर रहा था, दर्द और आराम दोनों के एहसास एक साथ, ऐसा पहली बार हो रहा था उसके साथ। ये पल जोंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तैयंग के खुशबू जोंगकुक अपने सांसों में बसा लेता है। तैयंग के छूना उसे और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। अगले दिन सुबह जोंगकुक तैयंग से पहले नींद से जाग जाता है। जोंगकुक आंखें खोलकर खुद को तैयंग के बाहों में देखकर स्माइल करता है, साथ ही साथ वो बहुत शाय भी फील करता है। जोंगकुक फेस ऊपर कर तैयंग के पिंक मुलायम होठों पर चूमते हुए विस्पर करता है, आज की सुबह किसी ड्रीम से कम नहीं है मेरे लिए, थैंक यू हाबी, मुझे खूबसूरत रात गिफ्ट में देने के लिए। आप लग रहा है कि मैं सही महीने में मैरिड हूँ। आई लव यू माई माफिया डैडी। ऑनेस्टली मैं कल रात बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे गान से शूट करने वाले हो, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है। पूरा बहुत दर्द हुआ लेकिन
कोई बात नहीं, इतना चलता है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन अब जब तुम ठीक हो गए हो, अब मैं तुमसे अपना सेवा कराऊंगा। क्या मुझे उसे जगा देना चाहिए? कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसे बोलता हूँ मुझे कैरी करके बाथरूम के अंदर ले जाने के लिए। जंगकुक तैयंग के शोल्डर पर टैप करके कहता है, डैडी वेक अप, सुबह हो चुका है। हे हबी वेक अप। तैयंग स्लोली आइज ओपन कर जंगकुक के तरफ देखकर बेबी लैंग्वेज में कहता है, गुड मॉर्निंग एंजल। जंगकुक कहता है, मॉर्निंग हबी वेक अप। मुझे उतने में तैयंग जंगकुक के बातों को बीच में काटते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, बट ते फील टायर्ड कैरी ते। तैयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक के तो होश ही उड़ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या? तैयंग फिर से बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल व्हाट हैपेंड, ते गो इनसाइड कैरी ते। जंगकुक कहता है, बेबी क्या ये तुम हो? ते आंसू भरी आंखों से जंगकुक के तरफ देखते हुए कहता है, यू डोंट लव ते। जंगकुक कहता है, एक क्या मजाक है? वेट बेबी, मेरे पीठ और कमर में थोड़ा दर्द है, तुम्हें मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, नो नो आई कैंट हेयर यू, एक्सक्यूजेस प्लीज एंजल कैरी मी। जंगकुक कहता है, ओके काम डाउन, तुम शांत हो जाओ, डोंट क्राई। जैसे ही जंगकुक दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, ते खुद को बिना कपड़ों के देखकर दोनों हाथों से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हुए कहता है, एंजल क्लोज योर आइज। ते जंगकुक के शरीर बिना कपड़ों के देखकर शर्मा जाता है। तैयंग शाइनली कहता है, एंजल तुम्हें तो शर्म भी नहीं आता है, डोंट यू नो बिग बॉय को बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए, ए बैड हैबिट होता है, गो एंड वेयर योर क्लोथ। जंगकुक कहता है, तुम भी तो बिना कपड़ों के ही हो। ते कहता है, तुम बिग बॉय हो, ते लिटिल बॉय। जंगकुक कहता है, बेबी क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, तुम्हें तो मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था। तैयंग कहता है, नो ते विल नेवर से दिस, एंजल आई वॉन्ट टू ड्रिंक योर मिल्क, कैन आई। जंगकुक जल्दी से बिस्तर से उतर कर कपड़े पहन कर कहता है, नो अब तुम्हें कोई मिल्क नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता है कोई मिल्क ही नहीं है। जंगकुक किचन में एंटर कर मेड से पूछता है, नाश्ता बन चुका है? मेड कहती है, सर ब्रेकफास्ट इज रेडी। जंगकुक कहता है, ओके अब तुम जा सकते हो। मेड कहती है, सर क्या कल मुझे छुट्टी मिल सकती है? जंगकुक कहता है, तुम्हें अचानक छुट्टी क्यों चाहिए? मेड कहती है, सर मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको कैंसर है। जंगकुक कहता है, क्या तुम अपने फादर के ट्रीटमेंट अच्छे से करा रही हो? मेड रोते हुए कहती है, ट्रीटमेंट के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? जंगकुक कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, और हाँ रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेड कहती है, थैंक यू सर। जंगकुक कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर ते को चेक करता हूँ, तुम नाश्ता टेबल में रख दो। मेड कहती है, ओके सर। जंगकुक सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, तभी तैयंग को अपने टॉय बानी के साथ नीचे आते देख जंगकुक रुक जाता है। ते बिग स्माइल कर बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल चलो बाहर चलते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले एंड ते वॉन्ट टू स्विंग, एंजल मुझे झूले पर उठना है। जंगकुक जब भी तैयंग के तरफ देख रहा था, उसे रात की सारी चीज़ें याद आने लगता है। जंगकुक शर्म से तैयंग के आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन ते को तो कुछ भी याद नहीं है। तैयंग कहता है, एंजल। जंगकुक कहता है, ओके हम बाहर चलेंगे लेकिन आज नहीं कल, आज ह्योंग आने वाला है। तैयंग कहता है, ह्योंग बट वाई? जब ह्योंग आता है एंजल उनके साथ ज़्यादा बात करता है, एंजल डोंट लव ते।
आई एम योर हस्बैंड, यू स्पेंड मोर टाइम विथ मी, नॉट योर यंग। ये कहकर ते बानी टॉय फ्लोर पर फेंक कर भागते हुए सिरों से ऊपर जाने लगता है। जोंगकुक कहता है, ते स्टॉप, ते भागना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ते ते प्लीज़ भागना बंद करो, तुम्हें चोट लग जाएगा। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।